हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुसा। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। तो इस वाली वीडियो में बात करूंगा यार, अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, क्या टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए केमिस्ट्री को मेमोराइज करने के लिए, और भी बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ यार, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो अपने बारे में बताऊँ तो यार, इन माई फर्स्ट अटैम्प आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक आईटी जे एडवांस, बट इन माई सेकंड अटैम्प आई वॉज एबल टू डू इट। तो मैंने क्या गलती अपने फर्स्ट अटैम्प में की थी, उनको कैसे अपने सेकंड अटैम्प में सुधारा, तो सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ यार, टाइम मैनेजमेंट पर हर चीज़ पर बात करूँगा। तो यार प्लीज़ जो भी मैं बताऊँ उसे नोट जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले यार जेई का ओवरव्यू दे देता हूँ जिनको नहीं पता। तो जेई का एग्जाम आपका दो पार्ट्स में होता है, पहला आपका जेई मेन होता है, दूसरा आपका जेई एडवांस होता है। जेई मेन आपका होता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और आपका एडवांस होता है आईटीज के लिए, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, जेई मेन में आपके ईच सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज एंड 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड। और एडवांस के पैटर्न की बात करो तो एडवांस ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता कि कैसा पैटर्न आने वाला है, बट जनरली जो पैटर्न प्रीवियस ईयर में आता है तो उसका बता देता हूँ। आपका अप्रॉक्स 360 का पेपर होता है, कभी इससे ज़्यादा हो सकता है, कभी इससे कम भी हो सकता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके ईच सब्जेक्ट में 19-18 है ना, इतने क्वेश्चन आते हैं। और आपके हर साल आपके जेई में 10 लाख बच्चे बैठे होते हैं, जिसमें से आपके 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए, और उसमें से 17,000 बच्चे आपके आईआईटी में जा रहे होते हैं, है ना। तो यानी आपको टॉप 1% पाना पड़ेगा अगर आपको आईआईटी में एंट्री लेनी है। अब यार मैं सबसे पहले बात करूंगा यार, कोचिंग ऑनलाइन ले या ऑफलाइन, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन कोचिंग एनी टाइम, इफ यू कैन अफोर्ड यू शुड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग में ही जाना है ना, तो मैं वो तरीके बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग को कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग के थोड़े एडवांटेज बता देता हूँ ना, जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में जाना है, या अभी तक आपने ऑफलाइन कोचिंग के डिसएडवांटेजेस सुना होगा ना, डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा होता है ये वो, तो लेकिन मैं ऑफलाइन कोचिंग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको एडवांटेज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज होता है आपका होमवर्क डिस्कशन, है ना। ऑफलाइन कोचिंग में यार आपका होमवर्क डिस्कशन होता है ना, उससे आपको ये बेनिफिट होता है, जो आपको होमवर्क मिला होगा आपने ट्राई किया होगा अपने रूम पे बैठ के, आपसे नहीं हुआ है ना। और जब आप क्लास में जाओगे तो आपको कुछ बच्चे ऐसे देखेंगे जिनका जिनसे हो गया होगा, है ना। और फिर आप टीचर से पूछोगे, आपको टीचर कोई नया तरीका बताएगा आपको, अरे हाँ यार आपको पता लगेगा कि यार मैंने इसे ट्राई नहीं किया, मैं ये भूल गया था, ये तो मुझसे हो जाता, मैं 10 मिनट और ज्यादा ट्राई करता। तो ये सब चीजें आपको जब ऑफलाइन में दिखेगा ना उसका सॉल्यूशन, आपको ज्यादा टाइम तक आपको रिटेन रहेगा आपके माइंड में। तो एक तो ये चीज होती है यार। अब दूसरी चीज की बात करूँ तो यार आपका डिस्कशन विद फ्रेंड्स, जो आपका डिस्कशन विद फ्रेंड्स जब आप टेस्ट देने जाओगे, जब टेस्ट दिखाओगे वो डिस्कशन, या आपका क्लास में ब्रेक मिला उसके बाद जो डिस्कशन, कई बार डिस्कशन में ऐसी चीज निकल के आती है ना कि आप उसको एग्जाम में देखोगे देखोगे कि यार ये तो इसने बताई थी और ये एग्जाम में डायरेक्ट आ गया, है ना। और ऐसा होता है, कई बार आपका दोस्त आपको आपके टीचर से अच्छा समझा देगा, है ना, और ऐसा होता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और इसका एडवांटेज बताऊं तो यार वो है आपका ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। जब आप ट्रैवल करके जाओगे और ट्रैवल करके आओगे, कभी ऐसा होगा यार, पहले बता दो, एडवांस का एग्जाम आपके एक दिन में 2 बार होता है, आपका 9 to 12 एंड आपका 2 to 5, ठीक है, 2 बार होता है। कभी ऐसा, हाँ तो मैं बता रहा था, कभी ऐसा होगा आप ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, कभी ऐसा होगा आपने लंच नहीं किया, ठीक है। तो सारी सिचुएशन आप हैंडल करना सीख जाओगे, और आपके साथ हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको वो पैनिक सिचुएशन भी नहीं आएगी आपके साथ कि यार मेरे पास वाला बंदा क्या कर रहा है, ये तेज लिख रहा है, ये हल्के लिख रहा है ना, इतने सारे बंदे रहेंगे, तो आप वो सिचुएशन हैंडल करना सीख जाओगे। क्या पता आपका जब मेन जेई एडवांस का एग्जाम होता हो उस टाइम क्या पता क्या सिचुएशन हो, है ना, क्या पता ब्रेकफास्ट ना करो, क्या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप वो हैंडल करना सीख जाओगे एक तरीके से। तो ये था यार आपके ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस। तो यार अब मैं बात करूंगा ऑनलाइन कोचिंग पे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो तो सबसे पहले यार आपको एक चीज करनी है, वो है आपको यू हैव टू डीएक्टिवेट योर सोशल मीडिया अकाउंट। मैंने यार आईटी में ऐसे बच्चों को देखा है जो आईटी में आने के बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रहे होते हैं, है ना। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आप वो इंसान हो जो फोन तो उठाते हैं लेक्चर देखने के लिए पर खुल कुछ और जाता है, इंस्टाग्राम खुल गया, अगर स्नैपचैट खुल गया, है ना, तो ये सब चीजें रहती है। और ऑनलाइन कोचिंग में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो है आपकी प्रोकास्टिनेशन। आप लेक्चर आसानी से छोड़ देते हो, है ना, किसी ने कॉल की पॉज किया लेक्चर चले गए, खाना खाने का टाइम हो पॉज किया लेक्चर चले गए, है ना, दोस्त ने बुलाया पॉज के लेक्चर चले गए। तो ये सब चीजें यार ऑनलाइन में बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इन सब चीजों से बचना होगा, ठीक है, और टाइम अच्छे से मैनेज करना होगा। तो यार अब मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट पर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपकी पूरी जर्नी का, पूरे मैराथन का। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो 2 घंटे के लेक्चर में अपना पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, ठीक है। तो यार मैंने लिख लिया था एक जगह आपको कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, मैं टाइम टेबल नहीं बताने वाला, बट एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा आपको कि आपको अपना चीजों में टाइम कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके एक दिन में 3 क्लासेस हो रही है ना, तो आपके उसमें 5 घंटे चले गए, है ना, 7 घंटे आपके सोने में चले गए, तो आपके 12 घंटे तो ये हो गए, बचे आपके 12 घंटे, ठीक है। अब बात करूंगा ये जो आपकी जितनी भी चीजें होती है, लंच आपकी, पावर नैप हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, है ना, ये आपका नहाना, ये सब चीजें। तो इसमें आपको ज्यादा एक डेढ़ घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा, है ना, आपको ये इतना देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है आपके लंच में। आप अगर आप कमी से लंच करोगे तो आपके 20-22 मिनट जाएंगे, अगर आप पावर नैप लोगे तो 15 मिनट उसमें होगा, ब्रेकफास्ट में जनरली कम टाइम लगता है, 10-15 मिनट इसमें होगा, और आपके डिनर के 10-15 मिनट ये होगा।
ठीक है, अभी आपके पास कितना टाइम बचा, 10:30 से 11 घंटे अभी आपके पास हुए, ठीक है यार, इनको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं आपके 10:30 घंटे जो 11 घंटे आपके पास बचे, सबसे पहला काम आपका होगा रिवाइज योर क्लास नोट्स। सबसे पहले आपको क्लास नोट्स रिवाइज करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, आपको इस तरीके से आपने क्लास नोट रिवाइज करना है जैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, बैठ जाना है जैसे किसी या सेल्फ एक्सप्लेन जो भी किसी को एक्सप्लेन करो, इस तरीके से आपको क्लास नोट्स रिवाइज करने, इसमें मैंने टाइम लिया आपका 1 घंटा, क्यों यार, 15 मिनट में भी आपने क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हो क्योंकि आपने सेम डे पढ़ा है, आप सेम डे के नोट्स रिवाइज कर रहे हो, 1 घंटा से लिया क्योंकि आप एक्सप्लेन करके कर रहे हो तो आपको टाइम लग सकता है। दूसरा आपको अपना, इसके बाद आपको अपना होमवर्क करना है, यार होमवर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, आपको होमवर्क अपने 3 अटेम्प्ट में करना है, ठीक है, पहला अटेम्प्ट आपका होगा जो क्वेश्चन आपसे 1 टाइम में बन गए हो गया, बाकी जो नहीं बने आपने स्किप कर दिए और उन पर आपने एक स्टार मार्क लगा दिया। दूसरे टाइम में आपने आपको यही का सेम प्रोसेस करना है, पहले आपने मान लो 3 मिनट दिए, अब आप दोगे 5 मिनट, 5 से 10 मिनट दोगे, अब जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको एक बार स्टार मार्क कर दिया, यानी 2 स्टार मार्क होगा उस पर, ठीक है। अब तीसरा टाइम है ना, क्वेश्चन रिड्यूस होते जा रहे हैं, अब जो नहीं हुआ स्टार मार्क कर दिया, जो हुआ ठीक है ना, अब तीसरे टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया आपने, आपने 20 मिनट दे दिए मान लो या 15 मिनट दे दिए, तो आपके क्वेश्चन रिड्यूस होते जा रहे हैं, यार ये जो आपने स्टार मार्क किए क्वेश्चन पे, ये वो क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन के टाइम पे करना है, आपको रिवीजन के टाइम पे अपना पूरा मटेरियल दोबारा से नहीं करना, जो क्वेश्चन स्टार मार्क है केवल वही करना है, ठीक है। इसके बाद आपके अब 5-6 घंटे बचे, ठीक है, मैंने मान लिया आपके होमवर्क में 5 घंटे लग गए, 4, 4.5 घंटे लग गए, अब आपके पास 5-6 घंटे भी बचे, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना वीक टॉपिक पकड़ना है, सबसे पहले उसके नोट्स पढ़ने, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको किसी और चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, आपको डायरेक्टली अपने नोट्स लेके नहीं बैठने, नोट्स आपको उस चीज में उठाने जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपको आपका वीक टॉपिक नहीं है, जो आपको आता है आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है आपकी एनसीईआरटी रीडिंग, वो भी केमिस्ट्री की, आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है डेली, और आपको ये अपनी हैबिट में लाना है, डेली 1 घंटे एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, जरूरी नहीं पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो, 1 घंटे में जितना हो रहा है करो, ठीक है। तो ये तो आपका मोटा मोटा आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपको इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है यार, ये गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। तो यार अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल कैसे भी बना सकते हो, मंथली वीकली या डेली बेसिस पे, मैं थोड़ा अपना टाइम टेबल डेली बेसिस पे बना देता। सुबह सबसे पहले मेरा काम यही होता था कि अपना टाइम टेबल बनाऊं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी आज कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम डिवाइड कर लेता था। तो अब आ जाता हूँ, सबसे पहले फिजिक्स की बात करूंगा, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होने वाली है कोचिंग मटीरियल विद रिवीजन, ठीक है। उसके बाद आप एससी वर्मा डीसी पांडे दोनों में से कोई भी एक बुक कर सकते हो, मैंने कौन सी की थी यार, मैंने फर्स्ट में थोड़ी एससी वर्मा की थी और ड्रॉप ईयर में थोड़ा डीसी पांडे की थी ना, तो मैं कहूँ तो यार मेरी रिकमेंडेशन होगी डीसी पांडे फॉलो कर लेना फॉर एडवांस, या आपकी एक बुक होती है इरोडो, इरोडो यार आपकी सिलेक्शन के लिए नहीं होती, वो रैंक इंप्रूव करने के लिए होती है, ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए अपने ऊपर तो जब जाके आप इरोडो करो। यार एक बुक और रिकमेंड करूंगा फॉर ड्रॉपर्स, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करने हैं तो आपकी एक बुक होगी फिजिक्स गैलेक्सी, वो जो मैंने खुद भी की थी अपने ड्रॉप ईयर में, काफी सही बुक है यार। दूसरा बात हूँ आपके केमिस्ट्री के ऊपर, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करूँ तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की आपकी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, एनसीईआरटी को तो आप रिलीजियसली फॉलो करना, ठीक है। और अगर आपको बुक पे बुक पे जाना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो है ही, दूसरा ये बुक कर सकते हो जेडी ली, या जेडी ली जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा एनसाइक्लोपीडिया टाइप है थोड़ी सी, तो इसके लिए आपको पहले एडवांस का सिलेबस पढ़ लेना, उसके बाद आप जेडी ली की रीडिंग लगाना, वरना आपको टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैथ की बात करूँ तो यार मैथ में आपका कोचिंग मटेरियल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, और आपकी पी वाई क्यूज, क्योंकि यार मैथ के काफी सही क्वेश्चन आते हैं पी वाई क्यूज, आपको वहीं से करने सबसे ज्यादा रिलेवेंट तो वही है, बट आपको अगर बुक्स पे जाना है तो ऐसे लोनी आती है एक ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, और जीएन बर्मन हो गई, सिंगेज हो गई है ना, मैंने कौन सी की थी यार, मैंने थोड़ा सिंगेज की थी और मैं पीवाई क्यू ज्यादा करता था, ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हो। दूसरी चीज यार मैं बात करना चाहूंगा टेक्निक्स के बारे में टू मेमोराइज, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री यार याद नहीं होती इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने थोड़ा लिख लिया था, तो सबसे पहला पॉइंट यार आप जो भी याद करो या कोई भी एनसीईआरटी पढ़ो तो उसको थोड़ा समराइज करो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, वो शायद आप करते भी हो तो उसको समराइज कर लो अपनी लैंग्वेज में, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना के लिख दो। दूसरी चीज आपको जब रिवीजन करना हो तो रिवीजन करो क्वेश्चन से, दोबारा नोट्स पढ़ने मत बैठ जाओ, ठीक है, ये मैंने चीज पहले ही बता दी। और अब मैं सबसे पहले यार बताना चाहूंगा स्पेशल टेक्निक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी जो टेक्निक है यार ये आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी है ना, ये मेरे ऑफलाइन टीचर ने बताई थी मेरे ड्रॉप ईयर में जो थे, तो कोटा के टीचर थे यार। तो क्या करना है आपको, एक A4 साइज का पेपर लेना है, ब्लैक पेपर, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पी ब्लॉक, आपको पी ब्लॉक रिवाइज करना है या मेमोराइज करना है, तो आपको हेडिंग लिख लेनी है पी ब्लॉक,
उसके बाद आपको क्या करना है, पी ब्लॉक में मान लो कितने ग्रुप्स आगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब ग्रुप्स आगे। तो जैसे 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट आपको लिख लेने हैं, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, ये सब बोरोन लिख लेना है, या न्यूमोनिक्स उसका लिखना चाहो तो लिख लो, या आपको याद होगा पहले से तो ठीक, जैसे बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये न्यूमोनिक्स लिखना चाहो तो लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, बोरोन पे जाना है, एलो बना के सबसे पहला पॉइंट सर ने क्या लिखवाया था नोट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसके रिएक्शंस, उसके बाद इसका एक्सेप्शन, इस तरीके से लिख लेना है सारे एलिमेंट के लिए, सेम विद अदर ग्रुप्स अप टू 18। ठीक है, अब आपको फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉपर्टीज लिखने नहीं बैठा नोट्स में से, ना केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, ना रिएक्शंस लिखनी, कुछ लिखना नहीं है, बस आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स डालनी है इतना, और आपको चिपका देना है। अब आपको रिवीजन करना है, सबसे पहले नोट्स पढ़ लो, उसके बाद आपको जानना है कि मुझे कितना आ गया, तो आप वहाँ पे पी ब्लॉक में ये सारे एलिमेंट्स, बोरोन, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये सब, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ये थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये थी, रिएक्शन क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा रिएक्शन क्या थी, तो मैंने क्या किया, मैंने पेपर पर लिख लिया बोरोन रिएक्शन, यानी ये मुझे नहीं आया, मुझे दोबारा देखना है। उसके बाद एक्सेप्शन, उसके बाद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या क्या था, रिकॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम विद अदर एलिमेंट, सेम विद अदर ग्रुप्स, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक है, मैंने कुछ इस्तेमाल की थी यार, आपको ये डेली करना है, ठीक है। तो ये तो आपको गई आपकी टेक्निक। तो मैं अब थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्या गलती मैंने फर्स्ट टर्म में की थी, वो था उसमें से यार मैंने रिवीजन नहीं किया था, रिवीजन किया था तो भी केवल नोट्स खोल लिए थे, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन नहीं किया था, उस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैंने सिलेबस कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस करा था रादर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट अपने एनालाइज नहीं किए थे ना, तो ये सब चीजें यार। और हाँ, एग्जाम डे की एक टिप और देना चाहूंगा यार, एनालाइज योर मॉक टेस्ट, ठीक है। जब मैं टॉप ईयर में अपना टेस्ट एनालाइज करता था तो मुझे 6 घंटे लग जाते थे, है ना, 6 घंटे तो एग्जाम देने में लग गए, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, और 6 घंटे उसको एनालाइज करने में लगते थे। आपको एक एक चीज एनालाइज करनी है, और उसके बाद नोट रेफर करने हैं, जो आपका कोचिंग मटेरियल उसको रेफर करना है, था ना, तो सारी चीजें, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो तो उसकी आप एक बुक बना लेना, है ना, एक बुक या एक नोटबुक बना लेना जिसमें आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस लिख लो सारे जो आपने टेस्ट में किए थे। और हाँ, एक आपको फॉर्मूला बुक और बना लेनी है जिसमें आपके फिजिक्स के सारे फॉर्मूला और डायरेक्ट रिजल्ट, या डायरेक्ट रिजल्ट जो है एडवांस में डायरेक्टली यूज हो जाते हैं ना, जो आपके डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं एज अ फॉर्मूला यूज हो रहे होते हैं एडवांस में। और सेम विद मैथ, ना, ये सब चीज आपको लिख लेनी है, और आपको केमिस्ट्री की थोड़ी अलग कॉपी बनानी है, फिजिक्स मैथ की तो एक साथ होगी फॉर्मूला, और आपको केमिस्ट्री की अलग पतली सी कॉपी बनानी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की रिएक्शन है उन सबको लिख लेना है, ठीक है, और उनसे रिवाइज करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीजें थी, मैंने भी अपनी पर्सनल एक ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स कह लो उनको ये बनाया था, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन लिखी थी, और नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गई तो ये सब लिखी थी यार। अगर आप कहोगे मैं अपनी ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स शेयर भी कर दूंगा पर्सनल, जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चाहो तो बाकी यार यही था। बाकी यार डीमोटिवेट नहीं होना है, कभी मोटिवेशन होगा, डीमोटिवेशन होगा ये तो रहेगा, बट ये याद रखना मोटिवेशन थोड़ी टेम्पररी चीज है ना, मेन तो आपका गोल है। अगर आप डीमोटिवेशन होता है, जो भी आपका आइडिया हो आईटी उसका फोटो लगा लो, जैसे सुंदर पिक्चर हो गए, जो आपकी ड्रीम आईटी है उसका फोटो चिपका लो, ठीक है। और यार मैं एक फैक्ट बताऊं तो यार, इंडिया में 116 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 70-80 यूनिकॉर्न्स आर ओन्ड बाय आईआईटीएम्स, है ना, तो यार डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है इंडिया की जीडीपी पे, तो यार ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको भी उन लोगों में आना है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1% पे आना तो पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईटी के बिना नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट जल्दी कर सकते हो, मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी अगर आप आईटी से हो। तो यार ये सब चीजें खत्म करते हैं वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।